हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड रीप्ले। और ये वीडियो में बात करने जा रहे हैं दंगल टीवी के एक सीरियल के बारे में। और ये सीरियल का नाम है कैसा है रिश्ता अनजाना। तो कैसा है रिश्ता अनजाना फैंस के दिल में अपनी जगह तो बना लिया था, लेकिन जहां तक बात आती है व्यूअरशिप के मामले में, टीआरपी रेटिंग के मामले में, इसकी टीआरपी रेटिंग अच्छी नहीं थी। टीआरपी कम होने के कारण, यानी कि 0.2 या फिर 0.3 इसी के राउंड की इसकी टीआरपी रहती थी। और उसके बाद आईपीएल आ गया, आईपीएल के चलते हुए टीआरपी और भी नीचे जाती होती है। दंगल टीवी के मल्टीपल सीरियल्स की टीआरपी नीचे गई है, उन्हीं में से एक ऐसा रिश्ता अनजाना भी था। इसी करके शो को ऑफ एयर करने का फैसला ले लिया गया दंगल टीवी की तरफ से। तो गाइज, कैसा है ये रिश्ता अनजाना सीरियल जल्द ही ऑफ एयर जाने वाला है, और कुछ ही दिनों के इसके एपिसोड्स हैं जो कि आप एंजॉय कर पाएंगे। इसी महीने शो ऑफ एयर जाने वाला है। और इसकी एंडिंग डेट के बारे में बात करें, ऑफ एयर डेट के बारे में बात करें, तो वो होने वाली है 18 मई। तो गाइज, 18 मई को शो ऑफ एयर चला जाएगा। इसका लास्ट एपिसोड आपको 18 मई को देखने को मिलने वाला है चैनल पे। तो कुछ दिन ही रह गए हैं, एक हफ्ते के एपिसोड्स रह गए जिसको आप एंजॉय कर पाएंगे ये वाले सीरियल के। और अगर हम बात करें कि ये शो की जगह कौन सा नया सीरियल आने वाला है जो कि इसको रिप्लेस करेगा, तो वो होगा अनोखा बंधन। अनोखा बंधन नाम का एक नया सीरियल आने वाला है, जहाँ पर सास और बहू की स्टोरी होने वाली है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये होने वाला है कि सास बहू दुश्मन नहीं होने वाले, बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाले हैं एक दूसरे को लेकर। यही शो की मेन खासियत होने वाली है। और इसी करके सीरियल का जो टाइटल है वो है अनोखा बंधन। तो नए सीरियल के लिए वैसे टाइम स्लॉट भी चाहिए ही थी, तो किसी ना किसी सीरियल को जाना ही था। दंगल टीवी पर मल्टीपल नए शोज़ प्लान्ड हैं, और पिछले भी एक दो शोज़ एकदम से ऑफ एयर गए थे, तो अब ये सीरियल भी अगला ऑफ एयर जाने वाला है। मिलके भी हम ना मिले भी ऑफ एयर जाने वाला है। सीरियल की एक्ट्रेस सांची तिवारी ये कहती हैं कि वो डेफिनेटली अपसेट हैं इस सीरियल की न्यूज़ को सुनकर कि शो ऑफ एयर जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस खबर को पॉजिटिवली लिया है। वो कहती हैं कि डेफिनेटली भगवान ने कुछ ना कुछ आगे अच्छा प्लान कर रखा होगा उनके लिए, तो वो नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कम्प्लीटली एक्साइटेड हैं और चाहती हैं और भी ब्यूटीफुल रोल्स, और भी पावरफुल रोल्स को प्ले करना। वो कहती हैं अनमोल का जो करेक्टर है उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक स्पेशल प्लेस होल्ड करेगा। उन्होंने बहुत कुछ सीखा इस शो से, बहुत कुछ इन्जॉय भी किया, एंड बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ भी बनाई इतने अच्छे तरह से लिखे हुए इस रोल को अदा करते हुए। और वो ये भी कहती हैं इस सीरियल के सेट पे उनको बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी मिले जिनके साथ वो हमेशा टच में रहना चाहेंगी। वो कहती हैं लास्ट वीक जो होगा शूट्स का डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी टफ होगा, लेकिन वो पूरी अपनी डिवोशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, उसी एनर्जी के साथ शूट करेंगी जैसे कि उन्होंने अपना पहला एपिसोड शूट करा था। मेकर्स के लिए ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने उनकी अपॉर्चुनिटी दी अनमोल का करेक्टर प्ले करने के लिए, और उन्होंने डबल रोल भी पहली बार इस सीरियल में प्ले किया है। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइए ये शो को मिस करेंगे या फिर नहीं, बंद करने का फैसला सही है या फिर नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे फैंस के साथ। सारी अपकमिंग दंगल टीवी की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।